चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। पंजाब अब कभी नहीं जाऊंगी। फैसलाबाद से बाजी हारने नहीं आए। क्या हुआ जानू? नबील, ये राशन की लिस्ट है, कल याद से ले आना, घर में राशन खत्म हो गया। जानू, ये छोटे मोटे काम में मुझसे कहा करो यार। अच्छा, तो फिर कौन से काम कहा करो? भाई मुझे तुम अमरीका भेजो, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट बैग लेके आऊँ, मेकअप का सामान लाऊँ और अपने लिए 4-5 टी-शर्ट लेके आऊँ और मेरे लिए चॉकलेट भी मंगवाना है। भाई तुम मुझे अमरीका 5 दफा नहीं 10 दफा भेजो, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मगर अगर गली की नुक्कड़ पे मुझे बार बार भेजोगी ना तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। तुम ये काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? नबील, तू अपने लिए कोई वो क्यों नहीं ले आती शकीला? वो क्या? वही जो खुशी खुशी तेरा हार हो गम मानेगा। दूसरा शोहर? शरत नबील, तुम किसी काम में मेरा हाथ नहीं बटाते हो, नौकर बना के रख दिया मुझे। हाँ हाँ हाँ, नौकर, तू अपने लिए कोई नौकर क्यों नहीं ले आती शकीला? खूबसूरत, ले अब तेरी बीवी को खूबसूरत सा नौकर चाहिए, अब बता जरा। खूबसूरत, तुम मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो। तो क्या समझूं? कुछ भी समझो, आज के बाद मुझे तुम किसी काम के लिए नहीं बोलोगी। दूर हो जा मेरी नजरों से। एक्सक्यूज मी, आप मेरा पीछा कर रही हैं? आपको बुरा लग गया क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, अब मुझे वैसे भी अब आदत हो गई है, ये तो रोजमर्रा की रूटीन है कि खूबसूरत लड़कियां मेरा पीछा करती हैं। आपने मुझे खूबसूरत कहा? अरे नहीं, मेरे मुंह से निकल गया, मजाक कर रहा था। आप वाकई एक खूबसूरत लड़की हैं। तुम्हारा नाम क्या है ऐ खूबसूरत लड़की? मेरा नाम सानिया है। कितना प्यारा नाम है सानिया, लेकिन तुम मेरा पीछा क्यों करी थी? साथ चलो मेरे। वो असल में ना आपकी शक्ल मेरे मंगेतर से बहुत मिलती है। तुम्हारा मंगेतर भी है? है नहीं, था, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा जी, वो आपको देखकर ना मुझे मेरे मंगेतर की याद आ गई। आपकी कोई मंगेतर तो नहीं है ना? ओ, मेरी मंगेतर नहीं है, बस एक बीवी है, सड़ियल सी, बेवकूफ सी और मगरूर सी। क्या आप शादीशुदा हैं? लो, मैंने तो दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि अगर शादी करूंगी तो आप जैसे इंसान से ही करूंगी, और आप तो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम अपना ज़हन बनाई रखो, मैं तुमसे दूसरी शादी करूंगा। सच? पर आपकी बीवी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, छोड़ो उसको, मिट्टी डालो, बस तुम तारीख बताओ मुझे। हाँ। आओ, इससे पहले हम एक गाना करते हैं। आओ सानिया जानू, ये है मेरा आलीशान बंगला। हाय, जब हम गरीब थे ना तब ऐसे ही घर में रहते थे। क्या? हाँ, अब तो इसे कई ज्यादा आलीशान बंगला है हमारा, जो पापा ने मेरे नाम कर रखा है। सच? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि तुम इतनी अमीर हो। हाँ, मैं अपने पापा की अकलौती बेटी हूँ ना, सब कुछ मेरे नाम पर ही तो है। तो तुम अपने पापा से कहाँ मुझे मिलवाओगी जानू? शादी के बाद, वरना इतने गरीब आदमी से मेरी शादी तो नहीं करवाएंगे पापा। अब मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ भाई, मेरे पहले वाले ससुर ने 6-7 फैक्ट्रियां मेरे नाम लगाई हुई है, मैंने छत पे अपने हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड भी बनाया हुआ है। अच्छा, तो ठीक है, फिर हम शादी के बाद ना उसी हेलीकॉप्टर में बैठ के पापा से मिलने जाएंगे अमेरिका। हाँ, और वही शिफ्ट हो जाएंगे हम अमेरिका हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन आपकी बीवी का क्या होगा? उसका क्या भाई, वो यहीं रहेगी, मेरी माँ की खिदमत करेगी, $20,000-30,000 उसको भेज दिया करूंगा हर मंथ। क्या ख्याल है जानू? लगता है आपकी बीवी बड़ी मासूम। अरे मासूम नहीं है, डायन है, डायन जालिम औरत है, बड़ी मक्कार है। आपको नहीं पता, दिखाऊं अपने सख्त? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। चले आए, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाता हूँ। आओ आओ जानू, आओ आओ। मुस्तकीम, बड़े दिनों से ना मेरे गुर्दों में एक वो अटकी हुई है। वो क्या? पथरी? पथरी तो फेफड़े में होती है सलीम। अरे तुम तो मुझसे बात ही मत किया करो यार। हाँ, बात, मेरे गुर्दे में ना कई दिनों से एक बात अटकी हुई है मसाऊद। कौन सी बात? वही तो मैं भूल गई हूँ। एहतशाम महमूद।
आओ सानिया आओ। वैसे तो ये गरीब खाना है और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल ही गरीब खाना है। काफी। माँ जी मैं बहुत साल ऐसे मिलिए, ये है सानिया आपकी बहू। हाय मेरी बहू ने प्लास्टिक सर्जरी करा लिया है, मगर परवीन तू मुझसे ज्यादा वो नहीं हो सकती। खूबसूरत मोमो। हाँ फिर भी मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती तू। ओ माँ जी ये खूबसूरत नहीं है। क्या नबी मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन जिस खूबसूरत की ये लोग बात कर रहे हो तुम वो नहीं हो। अरे तो फिर ये कौन है नबी? मैं मुसा, ये सानिया है। मिर्जा नहीं सादा, जिससे मैं शादी कर रहा हूँ। नबील तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। अरे तुम्हारी एक बीवी है, बेटी है भाई। मैं मुसा ये मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए ही कर रहा हूँ। अमरीका जाके मैं चांदी का सारे खर्चात खुद करूंगा अपने हाथों से। मुझे मंजूर है पुत्र, बस मुझे अपने साथ अमरीका ले जाना। बस आप दोनों एक बात का ख्याल रखना है, खूबसूरत को इस शादी की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। महमूद साहब माँ जी शादी की तैयारियां शुरू करें। मुझे मुझे तुम्हारी शादी की करनी है, वो तैयारी है। हाँ जी पापा 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 आ रही हूँ। नबील ये सब क्या है? जानू ये मेरी बीवी है सानिया। ये तुम्हारी बीवी है तो मैं कौन हूँ? तुम वो बयान ख्वाब हो जिसे मैं भूलना चाहता हूँ। माँ जी महमूद साहब आप दोनों को पता था कि नबील दूसरी शादी कर रहे हैं? नबील जानू अंदर चले, मैं थक गई हूँ खड़े खड़े। कोई मसला नहीं है जानू, अभी चलते हैं। अब तुम्हारे पाँव दबा देगी। खूबसूरत क्यों खूबसूरत? हरगिज़ नहीं, ये इस घर में नहीं आ सकती, ये मेरे पापा का घर है। अब हम तेरे वो नहीं रहे नसरीन, हम अपनी प्यारी सी बहू के साथ ना अमेरिका जा रहे हैं। क्या महमूद साहब आप भी नबील के साथ देंगे? अरे हाँ ना खूबसूरत, अब इस बुढ़ापे में हम कहाँ दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। हमने यही फैसला किया है कि हम नबील के साथ अमेरिका चले जाते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो काम वाली बनकर। जानू चलो अंदर चलते हैं। आप मेरा घूंघट नहीं उठाएंगे? वो एक्चुअली ना मेरे पास मुंह दिखाई के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ कि अमेरिका जाकर ना तुम्हारे पापा से पैसे लेकर डायमंड का एक सेट दूंगा तुम्हें मुंह दिखाई का। अरे नहीं नहीं हमारे मुंह दिखाई लेते नहीं देते हैं। सच? तो फिर बताओ मेरी मुंह दिखाई क्या है? मुंह दिखाई ये माहिरा खान से शफकत सीमा की बन गई हो। तुम्हें पता है तुमसे पहले मेरी कितनी शादियां हुई हैं? कितनी? पूरी आठ। आठ? लेकिन वो सारे के सारे मारे गए शादी की पहली रात। कैसे? मैंने मार दिया, मैंने मार दिया सबको। सारे के सारे बेवफा मर्द थे, मुझे भी एक बेवफा मर्द ने शादी की पहली रात ही धोखा दिया, छोड़कर चला गया था मुझे। तब से मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी भी बेवफा मर्द को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं जानू बेवफा नहीं हूँ, मैं बेवफा मर्द नहीं हूँ जानू। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम भी बेवफा हो, तुम झूठे भी हो। तुमने अपनी बीवी से झूठ बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें अब मरना होगा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। कब तक अंदर छुपे रहोगे? कभी ना कभी तो बाहर आओगे ना, फिर नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। आ जाओ आ जाओ। उस पार निकलते हैं यार बबल बनाए, जलता जा कोई जाए जाए जलता जा।
अरे नबील ये क्या, तुमने क्लासिकल मौसीकी की रिहर्सल शुरू कर दिया। अरे हुआ क्या है भाई? वो सानिया पागल निकली है। अरे पागल है तो उसने तुम जैसे मर्द से शादी की है ना, वरना इस घर में एक और भी पुरकशिश मर्द मौजूद है। भाई कौन से पुरकशिश मर्द मोहसिन? अरे मैं भाई। अगर आपने दूसरी शादी का सोचा भी तो मैंने आपका वो कर देना मश्ताक। वो क्या? खून, खून, वो मेरा खून करना चाहती है माँ जी। अरे तुम फिक्र नहीं करो नबील, हम तुम्हें अमेरिका जाकर ही दफनाएंगे। महमूद साहब, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरे मरने का वक्त आ गया, आ जा इधर। माँ जी मुझे बचा ले, मुझे 5,000 का नोट समझ के बचा ले यार। अरे नबील ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का घर का मामला है भाई, हमें बीच में क्यों ला रहे हो? आओ मोमो, हम बाहर लॉन में चलते हैं। महमूद साहब मुझे छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते तुम अपना मान? चल चलो यार, रुको यार, रुको। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार होने के लिए जा रहा हूँ। जा 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 जानू, जानू तुम कहाँ जा रही हो? घर छोड़ के जा रही हूँ पापा के पास। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ खूबसूरत। क्यों, तुम तो अमेरिका जा रहे थे ना अपनी उस नई बीवी के साथ? नहीं जानू, पापा जी ना रात मेरे ख्वाब में आए थे, कह रहे थे मैं भी तुम्हारे साथ लाहौर आ जाऊं, तो इसीलिए ना मैं उठ के आ गया हूं तुम्हारे पास। सच सच बताओ नबील, क्या हुआ है? जानू क्या बताऊं, वो लड़की जिससे मैंने शादी की थी ना, वो साइको है, रात से मेरे पीछे ना चुरा लेके फिर रही है। बहुत अच्छा हुआ नबील, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। देखो जानू इतनी जालिम मत बनो, मैं तुम्हारा इकलौता शौहर हूँ जानू। अच्छा, तुम तो मुझे छोड़कर अमेरिका जाने वाले थे नबील। जानू सात समंदर पार मैं तुम्हारे बगैर कैसे जा सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे बगैर सी व्यू नहीं जा सकता जानू, वो तो मैं महमूद साहब को चला रहा था यार। जो भी है, अब मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। शाम तक मेरी टिकट कंफर्म हो जाएगी और मैं पापा के पास जा रही हूँ, तुम जानो तुम्हारी बीवी जाने। जानू सोचो अगर मैं मर गया तो चांदी के सर से बाप का साया उठ जाएगा, उठ जाएगा, उठ जाएगा जानू। मैं चांदी के लिए नया बाप ले आऊंगी नबील। जानू शट अप, इट्स नॉट ओके। तुम दोनों यहाँ बैठे हो? तुम दोनों यहाँ बैठे हो, जाओ जाकर तो धोखे बाद मर्द को बाहर लेकर आओ, चलो। रानिया पुत्र, दिल मेरी इकलौती वो है, तू उसकी जान बख्श दे। नहीं, वो एक बेवफा मर्द है, मैं दुनिया के सारे बेवफा मर्दों को ना एक एक करके मार दूंगी, नामो निशान मिटा दूंगी। वैसे आपका शोहर तो ठीक है ना आंटी? मेरा शोहर तो शक्ल से ही वो लगता है, देख। मकार? नहीं मकार नहीं, वो जिन पे बड़ा तरस आता है ना वो। मुझे मर्दों पे बिल्कुल तरस नहीं आता। मैं तो बहुत मासूम सा आदमी हूँ जी। हाँ, मासूम, मेरा शोहर ना शक्ल इसे इतना मासूम लगता है, देख। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं उस नबील को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लेकर आओ उसे, चलो। हाय मेरा पुत्र जलील, ना मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा ना मैं उसे भी जान से मार दूंगी। अरे बस करो यार मोमो, तुम क्यों नबील के लिए जान दोगी? उसने कौन सा बेटे होने का फर्ज अदा किया है, दफा करो उसे। आप कितने वो हैं इफ्तिखार, समझदार ना? नहीं जालिम और घटिया आदमी। हाँ हाँ यही है आप। मोमो अरे चुप करो तुम दोनों, जल्दी से जाकर उसे बुला कर लाओ, अगर तुम दोनों से बाहर ना लाए तो दोनों को बारी बारी मार दूंगी एक एक करके। इस नबील के बच्चे को निकाले, जल्दी तू अपनी जान। अरे नबील कभी दरवाजा करो, मैं हूँ महमूद। अरे ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई? मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास। मैं भी। तुम नहीं जा सकते नबील, अगर तुम भागे तो तुम्हारी वो पागल बीवी हम दोनों को जान से मार देगी यार। ओ बस कर दे महमूद साहब यार, आप और कितना जिएंगे यार? जिस हॉस्पिटल में आप पैदा हुए थे वहाँ तो बिल्डिंग गिर गई हुई है, वहाँ तो खेत है, लोग आप फसलें उगाते हैं। नबील मैं तुम्हारी खातर जान क्यों दूँ भाई? बड़ा शौक था तुम्हें दूसरी शादी करने का, अब भुगतो। माँ जी आप तो मेरी माँ जी हैं यार, मेरी जगह एक आधा छुरा आप खा लें। बगैरता अपनी पागल बीवी के हाथों अपनी सकी माँ को मरवाना चाहता है तू? सोचना भी मत नबील, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान कभी नहीं दूंगी। जी जानू प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। हाँ भाई अगर खूबसूरत जाकर उस पागल लड़की से बात करे ना तो शायद इसकी जान बख्शी हो सकती है। मैं उस पागल लड़की से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। चल तस्नीम ज्यादा नखरे ना कर,
इस जलील के लिए तू इतना तो कर सकती है ना नबील माँ जी। हाँ, इस जलील से नबील के लिए इतना तो कर सकती है ना तू। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे। जाए ना महमूजा यार, प्लीज साथ जाए, आपको आपके बड़े मुंह की कसम मेरी जान बचा ले। वो जो मुझे तुम्हारी बचानी है वो जान है। हाँ जी प्लीज महमूजा, प्लीज यार जाए ना यार, चलो 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 प्लीज प्लीज चलो प्लीज चलो प्लीज ओ प्लीज ओ प्लीज चलो। खूबसूरत संभाल लेगी। कहाँ है नवील, कहाँ है? पता नहीं, ये दिल की बीवी है, उसके बजाय इसकी जान ले ले। देखो तुम ऐसे किसी की जान नहीं ले सकती, तुम्हें जेल हो सकती है। मुझे जेल वेल कुछ नहीं हो सकती, इससे पहले भी मैं 8 बेवफा मर्दों को मार चुकी हूँ, पुलिस मेरा कुछ नहीं करेगी। अच्छा देखो तुम ऐसा करो, नबील की ना एक टांग काट लो। हाय मेरा पुत्र लंगड़ा हो जाएगा मनावर। अरे कोई बात नहीं मोमो, जिंदा तो रहेगा ना। अरे टांग मैं उसे लकड़ी की लगवा दूंगा। हाँ भाई ठीक है। नहीं 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 नहीं, जब तक मैं उसकी जान नहीं ले लूंगी ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कहाँ है, कहाँ है? अंदर बेडरूम या लाउंज में होगा। हाय मेरा पुत्र, ये निसरीन ना जलील को छोड़ेगी नहीं, उसकी जान ले लेगी। चल चलो आओ 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 आओ। आराम से बच्ची को लग ना जाए। मेरी बहन मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं लड़कियों से बातें नहीं करूंगा। मुझे महमूद साहब ने सब कुछ बता दिया, तू अपनी बीवी को धोखा देता है, झूठ बोलता है उससे, हाँ छुप छुप के लड़कियों से फोन पे बातें करता है, तू मरेगा। ये तो महमूद साहब ने अपने बारे में बताया, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। चुप, तू एक बेवफा मर्द है और तेरी एक ही सजा है। जानू मुझे माफ कर दो जानू, मुझे मैं किसी लड़की की तरह नहीं देखूंगा, मुझे माफ कर दो। क्या हो गया नबील? जानू तुम जिंदा, मैं जिंदा हूँ, हम दोनों जिंदा है जानू, हम दोनों जिंदा है। क्या हो गया नबील, लगता है तुमने कोई बहुत बुरा ख्वाब देखा है। जानू मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। जानू तुम बहुत अच्छी हो, खूबसूरत, तो तुम ना मेरा फोन भी ले लेना, अब मैं आज से किसी लड़की को आंख उठाकर देखूंगा भी नहीं। सच कह रहे हो नबील? हाँ जानू, जो तुम कहोगी वो करूंगा, मैं नौकरी भी करूंगा, मैं घर के काम भी करूंगा, मैं बाहर के काम भी करूंगा। जानू तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं जानू, तुम्हारी कसम मैं अब वो पहले वाला नबील नहीं रहा, अब मैं बहुत बदल गया हूँ जानू, वो मैं धोखेबाज और बेवफा नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा तो वो जो कल मैंने लिस्ट दी थी ना, जाओ सामान लेकर आओ। अच्छा जानू अभी जाता हूँ, अभी लेके आता हूँ, वो मैं ना चेंज कर लूँ, मैं अभी जाता हूँ जानू। सुनिए जी बहन, ये एड्रेस बता देंगे कहाँ है? बहन ये एड्रेस, ये तो मेरा एड्रेस है बहन। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते।